नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। जब आप क्लिक करेंगे यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर तो यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन दिख जाएगा और यहाँ पर आपको टॉप पर ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ राउंड वन शेड्यूल यूजी 2021। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिस है 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काइंड डिटेंशन कैंडिडेट्स कॉलेजेस, ये जो नोटिस है सभी के लिए है, स्टूडेंट्स यानी कि कैंडिडेट्स हैं और कॉलेजेस सभी के लिए नोटिस है। यहाँ पर क्या बताया गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का जो काउंसलिंग है नीट यूजी का, उसको होल्ड कर दिया गया था। किस रीजन की वजह से? हाई कोर्ट मद्रास में एक मामले पर सुनवाई के कारण। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 27 जनवरी 2022 इन द मैटर ऑफ गिडला बाला सूर्य चंद्रा, ठीक है, इस मामले पर सुनवाई के कारण ये जो काउंसलिंग है नीट यूजी का राउंड वन का उसको होल्ड कर दिया गया था और इसका जो शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया, मतलब उसमें संशोधन किया गया है। और काउंसलिंग शेड्यूल में चेंजेस होने के बाद का जो शेड्यूल है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब जो प्रोसेस है राउंड वन का वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड वन, हम आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, परेशान नहीं होना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड वन, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन का जो रजिस्ट्रेशन है फिर से आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, ठीक, किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाए थे तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड वन के लिए। कब से कब तक? 28 जनवरी 2022 8 PM से 30 जनवरी 2022 12 noon, मतलब दोपहर 12 बजे तक। तो ये है न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का सवाल अब ये होगा कि सर हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं एंड आगे का जितना भी प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, वो हर एक चीज़ कर चुके हैं, तो क्या हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनके लिए हैं जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उनके लिए, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी फॉर राउंड वन, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे होंगे 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022, ठीक है, टाइम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चॉइस फिलिंग फॉर राउंड वन, यहाँ पर आप डेट देख पा रहे होंगे 8 PM ऑफ 28 जनवरी 2022 अप टू 11:55 PM ऑफ 13 जनवरी 2022, मतलब 28 जनवरी 2022 8 PM से 30 जनवरी 2022 11:55 रात तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चॉइस लॉकिंग का डेट, ये रहा डेट और ये रहा टाइम, ठीक है। तो मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं सीट प्रोसेसिंग का डेट 31 जनवरी 2022 है और रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ राउंड वन, राउंड वन का जो रिजल्ट है काउंसलिंग का, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, वो 1 फरवरी 2022 को आएगा। इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिपोर्टिंग फॉर राउंड वन डेट है 2 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022, टाइम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है चीज़ें, आप इनको ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए और हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हों जिनका समाधान यहाँ पर दिया गया है, क्या है चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर वन, रजिस्ट्रेशन पेमेंट फैसिलिटी चॉइस फिलिंग इज मेड ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। रजिस्ट्रेशन पेमेंट फैसिलिटी चॉइस फिलिंग, ये जो जितना भी फैसिलिटी है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग ये जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अगर वे अपनी जो चॉइसेस हैं उनको चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उनको एडिट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो सीट प्रोसेसिंग का काम है राउंड वन का, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यही, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर चुके हैं, लेकिन वे अपनी चॉइसेस को चेंज करना चाहते हैं, मतलब एडिट करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, वे अपने अकाउंट में लॉगिन करके जो चॉइसेस हैं उनको एडिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर फोर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये जो शेड्यूल है काउंसलिंग का शेड्यूल, ठीक है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो लास्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रीसेट करने का जो फैसिलिटी है, रीसेट करने की जो सुविधा है, ये कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी राउंड 1 के लिए। कब तक? 10 AM ऑफ 30 जनवरी 2022, मतलब 30 जनवरी 2022 सुबह 10 बजे तक रीसेट कर सकते हैं। इस तरीके का जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ये जो नोटिस है बिल्कुल ऑफिशियल है और इसका जो डेट है 28 जनवरी 2022 है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे। तो स्टूडेंट, ये चेंजेस हैं जो हमने आपको बताए, ये अपडेट आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।